We saw something extremely interesting yesterday, Afrida. The Aam Aadmi Party government in Delhi, many are calling it an early poll pitch, but of course attempting, to make one to the women of the capital. And it announced that it planned to make metro and bus rides free for women in the national capital. Chief Minister Arvind Kejriwal claimed that this move was prompted by safety issues faced by women in the city. Well, so you might as well ask, what is the link between safety and making travel free? So we did our ground checks. Mirana's Apurva Sridhar spoke to women from economically backward households about this entire proposal. Let's listen into what they have to say. Ye bataiye ki aap bahut dur dur jati hain kaam karne ke liye, kis wajah se aap bus nahi leti hain? बस का किराया ज़्यादा पड़ जाता है, मेहनत कम करते हैं, इसीलिए पैदल धूप में, इतना धूप में भी पैदल आते हैं, इसीलिए ना ज़्यादा कम पैसा मेहनत करते हैं और बस में मेट्रो में जाने में इतना पैसा नहीं मिलता है, इसीलिए हम पैदल आते हैं धूप में। तो आपको लगता है केजरीवाल की सरकार ने जो ये नया प्रस्ताव सामने लाया है, जिनमें उन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए बस और मेट्रो में जो आपको किराया देना पड़ता है, जो आप फेयर देती हैं मेट्रो और बस के लिए, वो अभी फ्री हो जाएगा, क्या इससे आपको और आपके जीवन में और आपके परिवार वालों को थोड़ी सहूलियत मिलेगी? थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा तो फ्री सबके लिए भला होगा, हम लोग का भी सही होगा। आप कहाँ कहाँ, आपने कहा कि आप काफ़ी दूर दूर जाती है, आधा घंटा पौना घंटा आप चल के जाती हैं? चल के ही जाते हैं, बी ब्लॉक जाती हूँ, एस ब्लॉक जाती हूँ, तो चल के ही जाती हूँ, आधा घंटा जाने में लगता है, आधा घंटा आने में लगता है। ठीक है, मुझे आप ये बताइए कि आपने कहा कि आपने दो तीन ऐसे जगह छोड़े थे जहाँ पे आपको लगा था मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है या फिर बस का किराया बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, कितने जगहों में आपने ऐसी नौकरियाँ छोड़ी बिकॉज जगह बहुत दूर थी? मेरे लिए जगह बहुत दूर पड़ जाता था, इसलिए मैंने दो तीन घर मैंने इसलिए छोड़े क्योंकि मेरे लिए बहुत दूर पड़ जाता था, इसी चक्कर के लिए मैंने छोड़े। लेकिन ये बताइए, अभी अगर ये फ्री हो जाता है तब भी आपको लगता है कि दूर दूर जाने में भी आपको सहूलियत मिलेगी, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे जगह हैं जहाँ पर अभी भी कनेक्टिविटी नहीं है, आप मेट्रो से जाती हैं, आप बस से जाती है, बट आप बहुत दूर दूर जाएंगे तो आपको लगता है कि इससे आपको सहूलियत होगी? थोड़ी बहुत मिल जाएगी अगर हो जाए तो, उसके लिए सेफ्टी भी जरूरी है, बस यही चाहते हैं कि हो जाए तो अच्छी बात है। तो आपका किराया बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा, हाँ ये भी बात सही है। लेकिन अगर सुरक्षा, ये सिर्फ बुजुर्ग लोगों के लिए बेहतर है, ठीक है, लेडीज़ों के लिए और जो कि आम लोग हैं उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये जो गुंडागर्दी चलती है, ये सब चीज़ें हैं, ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगी उस दौरान, क्योंकि जब उनको पता चलेगा कि लेडीज़ें इसमें फ्री हैं, मेट्रो में फ्री हैं, हर जगह फ्री हैं, तो वो और ज़्यादा झुंड बना बना के खड़े होंगे। तो आपको लगता है जो इन्होंने फ्री किया है उससे आपकी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई फ़र्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता, मेरी अपनी सोच है, अगर महिलाओं के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा किया जाए, जो कि उनकी सेफ्टी के लिए कुछ किया जाए, भाई मेट्रो में कोई सेफ्टी के लिए कोई पुलिस कर्मचारी लगाया जाए या कुछ लगाया जाए तो बेहतर है, इससे तो कोई वो नहीं होना। फ्री करेंगे तो सुरक्षा भी देंगे केजरीवाल, महिला के लिए सुरक्षा उनको देना चाहिए, जब फ्री करेंगे तो सुरक्षा और ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। लेकिन अभी आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा महिलाओं को? भाई जो ड्यूटी करने वाले, हम तो ड्यूटी करने वाले, हमें तो रोज़ आना जाना है, तो शायद हम लोगों को फर्क पड़ेंगे, अच्छा से देना चाहिए उनको। और अभी तो हम लोगों ने देखे नहीं कोई सुरक्षा दिया है। बसों में कभी मार्शल या कोई सिक्योरिटी गार्ड देखा है? नहीं नहीं। क्या कुछ देखा आपने बस में? नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं होते, कोई पुलिस वाला भी नहीं होते, ना कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, कोई भी नहीं, नहीं। तो आपको लगता है इस ये जो मूव सरकार ने किया है कि फ्री करने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जब तक सीसीटीवी कैमरा होंगे तब भी तो सुरक्षा होंगे इंसान, जब तक नहीं होंगे तो कहाँ? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और दूसरी बात ये कि केजरीवाल ने हमेशा झूठी बोला, सच नहीं बोला। अच्छा। हमें नहीं लगता कि वो जो वादे कर रहे हैं वो आगे क्लियर होंगे या नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बसों को तो बढ़ाना चाहिए, गर्मी इतनी है, देखो अब कितनी घंटे में बस आई है, ये एक घंटे से खड़े थे हम, बहुत देर में बस आई है, बुरा हाल है, गर्मी इतनी है, बस बढ़ानी चाहिए। So the Delhi government making this free transport offer, Afrida, but you know, I think scores of women, not just in Delhi but the country over, wondering whether women's safety is actually going to be increased or get better after this offer of having free public transport, and more importantly, is it actually going to reduce the chance of harassment? Absolutely, because that is a concern, Sanjana, in Delhi. And from what we heard, women are asking, have the CCTVs, have security guards, if your objective is safety. Otherwise, this becomes a poll pitch. And that is something we've been looking at as well, that this has come at the opportune moment right ahead of the state elections.